नमस्ते दोस्तों मैं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से आज हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स की बात करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मुझे सबके कि हम सारा दिन पॉजिटिव थॉट सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं फिर एकदम से मैसेज आता है मैम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स आ गए या मैंने बहुत कुछ किया था बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स लगाए थे स्क्रिप्टिंग की थी थैंक्स दिया था सब कुछ किया था फिर भी विश पूरी नहीं हुई क्यों नहीं पूरी हो रही विश इस नेगेटिव थॉट में इतना क्या पावर है तो ना हम आज सिर्फ नेगेटिव थॉट के बारे में बात करेंगे आज हम पूरे अच्छे से ना नेगेटिव थॉट को समझ लेंगे कि इसको ये है क्या और इसको हमें स्टॉप कैसे करना है ठीक है प्लीज़ ध्यान से सुनिए आप आ, ये देखो कि हम सारा दिन पॉजिटिव सोचते रहते हैं अपने विश को लेकर के सारा दिन पॉजिटिव 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 और एक नेगेटिव थॉट एक छोटी सी नेगेटिव थॉट जो फ्लैश बैक की तरह एकदम हल्का सा आई लेकिन वो मैनिफेस्ट हो गई नेगेटिव थॉट थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं मैंने पहले, पहले भी बोला हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है कि हम जो भी सोच रहे हैं हम वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है सारा दिन हमारी पॉजिटिव थॉट जो हम सोचते रहे ना वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हम लेकिन एक छोटी सी नेगेटिव थॉट और वो हो गई चुटकियों में क्यों इस नेगेटिव थॉट में इतनी पावर क्यों है ये पॉजिटिव थॉट से भी बॉडी कैसे हो गई एक्चुअली फ्रेंड्स नेगेटिव थॉट में कोई पावर नहीं है कुछ नहीं है बहुत हल्की है बहुत हल्की बस वो मैनिफेस्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस समय हम उसको सोचते हैं ना जिस समय वो हमारे पास आती है उस उस समय उसको हम मतलब जैसे पॉजिटिव थॉट आया है तो उसको उसको हमें उसके पार्थ में हिंड्रेंस अगर पैदा करना है तो नेगेटिव थॉट हमारे पीछे पीछे आता रहता है बैक में कितना भी पॉजिटिव सोचते रहो सोचते रहो एक बार नेगेटिव ज़रूर आएगा थॉट लेकिन जब नेगेटिव थॉट आता है तो हम भूल से भी पॉजिटिव नहीं सोचते नेगेटिव थॉट का जो रास्ता है यूनिवर्स तक जाने में उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बाधा कोई हिंड्रेंस नहीं है उसको जाने में क्योंकि वो हिंड्रेंस हम पैदा नहीं कर रहे कोई रेजिस्टेंस हम पैदा नहीं कर रहे उस नेगेटिव थॉट्स को कोई रेजिस्टेंट नहीं है वो बहुत आसानी से यूनिवर्स में चला जा रहा है आप हल्का सा भी सोच रहे हो ना वो यूं चुटकियों में चला जा रहा है इसीलिए नेगेटिव थाट मैनिफेस्ट हो रहा है मैंने मैं हमेशा सबको लिख रही हूँ जितने भी लोग मुझे लिखते हैं कि हमें नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं क्या करें कैसे स्टॉप करें मैं सीधा सबसे पहले लिखती हूँ कि नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं स्टार्ट सेंग नो टू इट आप नो बोलना शुरू करो जैसे ही आपने नो बोलना शुरू किया उससे क्या होगा कि आपने उसके उसका जो पाथ है यूनिवर्स में जाने का ठीक है आपने वहाँ पे ना एक ब्लॉकेज लगा दी जैसे ही कभी भी नेगेटिव थॉट्स रोकने का कोई uh, कितना भी मैं आपको अफर्मेशंस दे दूं सब कुछ कर लूं लेकिन नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो वो जेनवेन uh, है ह्यूमन नेचर है वो आएगा लेकिन वो आएगा तो आपको क्या करना है जब हम नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना हम बड़े uh, कुछ बोलते ही नहीं बस आ गया हमने सोच लिया ख़त्म कहानी हम परेशान और हो जाते हैं उसको और हम बढ़ावा दे देते हैं परेशान होके ठीक है तो वो हमें क्या करना है? जैसे ही नेगेटिव थॉट आया से नो टू इट नहीं ऐसा कभी नहीं होगा हमेशा नहीं बोलना शुरू करो नेगेटिव थाट्स को बस आप देखो नेगेटिव थॉट कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा आपने देखा है कभी कोई आ, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होती है जहां मतलब खतरा होता है या कोई आ, खाई है कोई कोई भी कोई भी ऐसे खतरनाक जगह है वहाँ पर आगे एक साइन बोर्ड लगा होता है डेंजर का ठीक है वो डेंजर का साइन बोर्ड जो भी देखता है जो भी कोई भी बंदा होगा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि वो डेंजर के साइन को क्रॉस करके आगे चला जाए नहीं जाएगा ना बस वैसे ही आपको एक नो का साइन लगाना है जैसे ही नेगेटिव थॉट आए से नो टू तो इट नेगेटिव थॉट्स इसीलिए पूरे हो जाते हैं उनको पावर हम देते हैं क्योंकि हम उनके रास्ते में कोई भी हिंड्रेंस नहीं पैदा कर रहे आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं आप सब कुछ कर रहे हैं आप सारा दिन पॉजिटिव पौ, सोच रहे हैं लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट आ जाता है उसी समय आप नो बोलिए ठीक है और हम क्या करते हैं जब कोई चीज़ गंदा होता है तो हम अगर घर गंदा होता है तो हम झाड़ू लगाते हैं राइट या जो भी एक साफ सफाई करते हैं तो आपके माइंड में जैसे ही नेगेटिव थॉट आई आपको भी अपना एक एक्टिविटी करनी है हम यहाँ पे बहुत बोलते रहते हैं कि आप क्रिएटिव हो ये हो वो हो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए ठीक है लोग कहीं पे भी इन्वॉल्व होते हैं उस समय नेगेटिव थॉट थॉट आ गया तो उस समय क्रिएटिव होना पॉसिबल नहीं होता लेकिन एक काम आप हमेशा कहीं पे भी होगे ना आप कर सकते हो सब को ही कर सकता है गर्ल्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम लेकिन करना है नेगेटिव थाट को निकाल के बाहर फेंकना है क्योंकि ये नेगेटिव थाट आपको प्रॉब्लम दे रहा है ठीक है अब ये क्या है करना ये आपको जैसे ही नेगेटिव थॉट आए नेगेटिव नेगेटिव थॉट आया कहाँ पे है यहाँ पे आया है ब्रेन में अच्छा हम ब्रेन के अंदर घुस के तो सफाई नहीं कर सकते हैं राइट बस ऊपर जो हमारे है ये हमारा हमारे बाल हैं आपने क्या करना है हमेशा एक कॉम्ब अपने पास रखो और होता ही है जनरली सबके पास होता है बॉयज़ हैव वो स्मॉल वाला कॉम्ब और गर्ल्स के पास दे दे कैरी इट दे देन देयर दे पर्स और घर पर हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है घर पर तो ऑलवेज अवेलेबल है जिस वक्त नेगेटिव थॉट आ गया कभी भी उठ के जाओ कंघी लो और बालों में कंघी करना शुरू कर दो स्टार्ट कॉम्बिंग योर हेयर्स आपको बस ये करना है वो नेगेटिव थॉट को आप ब्रश आउट करके निकाल रहे हो अपने ब्रेन से आप ब्रश आउट करके फेंक दो उसको निकाल करके बिल्कुल और उसको जैसे ही आपने नेगेटिव थॉट के लिए काम करना शुरू कर दिया ना आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से फिर कुछ भी नहीं रोक सकता आप अपने विश के जो विश पूरी होने की जो बात है ना उसको आप साफ़ कर रहे हो एक तरह से बिल्कुल क्लीन कर रहे हो बिल्कुल फ्री एकदम बहुत ही फ्लोफुल बना रहे हो कि वो आराम से मैनिफेस्ट हो जाए आराम से उसको जाना है अपने रास्ते पे ठीक है आपने यही करना है नेगेटिव थाट आए स्टार्ट सेंग नो टू इट बिल्कुल उसी वक्त नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं नो कभी नहीं हो सकता ऐसा नेगेटिव थॉट जैसे ही आए बस ये बोलना है दूसरा काम क्या करना है जैसे ही आए जिस वक्त आए आपको लेटे हुए भी आ रहा है आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा प्लीज़ आप उठो फटाक से जाओ कॉम निकालो योर हेयर्स जितनी बार कॉम करना है कॉम योर हेयर्स और बस कॉम करते समय बोला ऐसा कुछ नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता ठीक है नेगेटिव थॉट्स को सीधा ये बोलो ठीक है अगर आप कहीं बाहर हैं बाहर भी आप कॉम निकाल के कर सकते हैं और जो लोग कॉम नहीं कर सकते हैं जैसे कि हमारे आ, और भी वीर जी वगैरह होते हैं जो टर्बन पहनते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं वो अपने टर्बन पे अपना हाथ ही फेर लें कम से कम ठीक है कि आपको ऐसा लगे कि हम साफ़ कर रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा रहे हैं अपने ब्रेन से आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है और इससे बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी उस मोमेंट पर एकदम से अचानक कुछ नहीं हो सकती है अपनी बॉडी लैंग्वेज को तुरंत चेंज कर लो आप बिल्कुल चेंज कर लो एकदम एक्टिव हो जाओ या फिर जैसे भी आपने देखा है हम किसी को ना अगर बदुुआ देते हैं ना बड़े दिल से देते हैं बड़े अच्छे से बोल के देते हैं जा तेरा ना सत्यानाश हो जाएगा मैंने तो तेरे तो को बदुआ दिए दे, तू देखना हो जाएगा तेरा और जब थोड़ी दिन के बाद जब हम सुनते हैं ना कि उसका कुछ काम खराब हो गया हम उस समय बड़े प्राउड से कहते हैं मैंने तो बोला ही था उसका होना ही था ख़राब तो मतलब हम इतने श्योर होते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को लेकर के बस वही श्योरिटी आप ना वहाँ से कन्वर्ट करके पॉजिटिविटी में ले आओ ठीक है दुआएं लगे ना लगे बदुुआएँ लग जाती हैं हमेशा हम कहते हैं ठीक है बदुआएँ क्यों लगती हैं क्योंकि बदुआओं के रास्ते में कभी भी दुआएं हम लाते ही नहीं हैं जब हम बद देते हैं ना बड़े दिल से देते हैं कहते हैं कि नहीं अब तो तेरे को लगेगी अब तो तू तो तेरा सत्यानाश होगा लेकिन जब हम दुआ करते हैं ना तो दुआ के पीछे ब्रेन में चल रही होती है कि यार मांगा तो है पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा तो आपने नेगेटिव थाट को उसके पीछे लगा रखा है आप इस नेगेटिव थाट को हटा के फेंको नेगेटिव थाट आए उसके पीछे पॉजिटिव थाट को लगा दो बिल्कुल लगा दो एकदम लगा दो ठीक है ब्रश या हेयर्स निकाल के दिमाग से बाहर फेंको स्टार्ट सेइंग नो ऐसा हो ही नहीं सकता नेगेटिव थॉट को रोको बिल्कुल रोको उसको एक साइन बोर्ड लगा दो तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तो जा यहाँ से ठीक है जैसे ही आए आएगा बिल्कुल आएगा मैं अब कितना भी हम आपको वो कर लेंगे ना जिस चीज़ को हमें पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके पीछे हम ना बड़े पजिजिव हो जाते हैं सोच सोच करके ठीक है कि पता नहीं क्या है नहीं है तो वो सोच है लेकिन उस सोच को ब्रश आउट करो नो बोलना शुरू करो हिंड्रेंस क्रिएट करो नेगेटिव थॉट के पाथ में एंड फिर देखना फिर आपको कितने भी नेगेटिव थॉट्स आते रहे ना आपकी विश मैनिफेस्ट होगी ही होगी आप नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं करोगे आप अपनी प्रॉपर विश प्रॉपर ड्रीम मैनिफेस्ट करोगे तो ये है आप जस्ट गेट आउट ऑफ इट नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलो ठीक है बी पॉजिटिव इन लाइफ बी वेरी हैप्पी यू गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव दैट्स इट बस इतना ही Chalo, all the best, be positive and thank you.